भक्ति सूत्र कहता है कि अनंत का विधान अनंत है। मानव ज्यों ज्यों विधान का आदर करता जाता है, त्यों त्यों उसे स्वयं विधान का बोध होता जाता है। विधान मानव की खोज है, उपज नहीं। खोज है की होती है। अतएव जो विधान है उसी का बोध मानव को होता है। सर्वांश में विधान का आदर करने पर मानव की उससे अभिन्नता हो जाती है, जिसका विधान है। विधान उत्पत्ति विनाश युक्त नहीं है, अपितु अविनाशी है। इससे यह स्पष्ट विदित होता है कि विधान अविनाशी का ही स्वभाव है। मानव विधान से अभिन्न होने पर अविनाशी से अभिन्न हो जाता है। अविनाशी उसे नहीं कहते जो कभी हो और कभी ना हो, कहीं हो और कहीं ना हो, किसी का हो और किसी का ना हो, अर्थात जो सदैव हो, सर्वत्र हो, सभी का हो, वही अविनाशी है। इस दृष्टि से विधान का सर्वांश में आदर करने वाला विधान से अभिन्न हो जाता है। जब तक जीवन विधान नहीं होता, तभी तक जीवन में पराधीनता, अभाव और निरस्ता रहती है, जो किसी भी मानव को अभीष्ट नहीं है। विधान का आदरपूर्वक अनुसरण करते ही अकर्मण्यता उत्पन्न नहीं होती और ना ही कर्तव्य का अभिमान शेष रहता है, किंतु कर्तव्य परायणता स्वतः आ जाती है, जिसके आते ही मानव राग रहित हो जाता है। मनुष्य को अपने स्वभाव का सुधार करना चाहिए। बिगड़ा स्वभाव किसी को नहीं सुहाता। स्वभाव सुधार तब होगा जब अपना ध्येय परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। दूसरे मुझे क्या समझें, ये कसौटी ठीक नहीं है। जो भोग और संग्रह में लगे हैं उनका स्वभाव ठीक नहीं रहता। सब दोष देहाभिमान से आते हैं। अतः मैं मेरे का त्याग कर दें। छोटा बच्चा सबको अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें राग द्वेष नहीं होते। एक करना होता है और एक होना होता है। करने में हमारा अधिकार है और होना भगवान के अधीन। व्यापार करते हैं और नफा नुकसान होता है। दवा लेना हमारे हाथों में है। रोग का ठीक होना या ना होना वो भगवान के हाथ में। मनुष्य कर्मयोनि है, अतः मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। यदि सब कुछ भगवान ही करते हैं या कराते हैं तो फिर मनुष्यता क्या रही? सब भगवान ही कराते हैं, यह अपना ही अज्ञान भगवान पर आरोपित करने जैसा है। मनुष्य स्वयं कर्म करता है, तभी स्वयं दंड भी भोगता है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि है कि स्वीकृति और अस्वीकृति दोनों ही पथ हैं, एक श्रद्धा का, दूसरा सजगता का। श्रद्धा से है का निर्माण नहीं होता, कारण कि जो स्वतः सिद्ध है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसका विनाश नहीं होता। है कहते हैं उसे जो उत्पत्ति और विनाश से रहित है। स्वीकृति से प्रतीति और अस्वीकृति से निवृत्ति उसी की होती है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अर्थात जो नहीं है। जो विधायक सर्वत्र सर्वदा सभी का है उसको स्वीकार करना चाहिए। उसको स्वीकार करो अथवा ना करो, किंतु विधान के आदर करने मात्र से भी उसकी उपलब्धि होती है। मानव विधान को जानता है और उसका अनुसरण करता है, पर विधायक उसे स्वयं अपना लेता है, यही उसकी महिमा है। खास बात यह है कि वर्तमान को शुद्ध बनाना चाहिए। वर्तमान काल को शुद्ध बना लें तो भूत भी शुद्ध हो जाएगा और भविष्य भी। भूत और भविष्य का चिंतन ही व्यर्थ चिंतन है, जिससे कुछ लाभ नहीं। सबका वर्तमान शुद्ध है, यह एक मार्मिक बात है। वर्तमान दोषी नहीं है। वर्तमान तत्व सदा शुद्ध ही रहता है, कभी मैला नहीं होता। भविष्य की चिंता ना करके विचार करें, पर भूत को बिल्कुल छोड़ दें। तत्व सदा वर्तमान रहता है। हम सिनेमा में भूत भविष्य वर्तमान को अपनी दृष्टि से देखते हैं, पर फिल्म में क्या ये तीन काल हैं? उसमें तो सब कुछ वर्तमान है। जैसे सिनेमा अंधेरे में दिखता है, प्रकाश में नहीं,
ऐसे ही संसार अज्ञान रूपी अंधकार में दिखता है, ज्ञान रूपी प्रकाश में नहीं। ज्ञान में भूत भविष्य वर्तमान है ही नहीं। जैसे सिनेमा में पर्दा ज्यों का त्यों रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे ही तत्व ज्यों का त्यों रहता है। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।